हेलो गाइस, आपको वैक्स करने के लिए नाइफ, वैक्सीटर, वैक्स स्ट्रिप्स और पाउडर चाहिए। आपको पहले सब क्या करना है, आपको पहले अच्छे से हैंड पे पाउडर अप्लाई कर लेना है और फिर नाइफ की मदद से आपको वैक्स उठा के पतली पतली लेयर लेके हैंड पे लगानी है। आप देखना आपके हेयर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है, पतली पतली लेयर लेके, मोटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और वैक्स बहुत अच्छे से चेक करनी है कि कितनी गर्म है, आपको अपने हैंड पे चेक करनी है पहले लगा के, फिर उसके बाद कस्टमर को लगानी है। फिर आपको स्ट्रिप्स लेनी है, स्ट्रिप्स चेक करनी है। स्ट्रिप्स को आप लोगों को देखना है कि दानेदार जहाँ से हो वहाँ से नहीं लगानी है, और जहाँ से प्लेन साइड हो वहाँ से आपको स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। आपको छोटे छोटे पैचों में वैक्सिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रेस करना है ताकि वैक्स स्ट्रिप्स अच्छे से हैंड पे चिपक जाए, और फिर उसके बाद उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। और वैक्सिंग करना बहुत आसान होता है, जब आप एक दो बार आप कर लोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो और कस्टमर के ज़्यादा मोटी लेयर भी ना लगे। आपको हैंड स्ट्रेच करना है नीचे से, और बालों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैक्स लगानी है और पट्टी प्रेस करके अच्छे से खींचनी है। धीरे से नहीं, अच्छे से स्ट्रिप खींचनी है आपने, जिससे आपके सारे बाल अच्छे से निकल जाए और बाल टूटे नहीं। जिससे आप अच्छे से हैंड को स्ट्रेच करके खींचेंगे ना, तो कस्टमर को इतना दर्द भी नहीं होगा वैक्सिंग करते टाइम। ये देखिए कितने आसान तरीके से वैक्स हो गई है। और आपको मेरा चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।